अपने प्यार के लिए सरहदों की परवाह किए बगैर भारत में दाखिल होने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ अब भी जारी है। एटीएस लगातार मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एटीएस ने सीमा से कई सारे सवाल किए, जिसमें सबसे जरूरी सवाल जुड़ा था सीमा के भारत आने के कारण से। सीमा से सवाल किया गया कि क्या वो भारत अपने प्यार के लिए ही आई है या फिर वो किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट है। अपने बात पर अडिग रहते हुए सीमा ने लगातार ही इस बात की पुष्टि की है कि वो भारत सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए आई है, और एक बार फिर से सीमा ने जवाब में यही कहा है। आपको बताते चले कि एटीएस मामले की तह तक जाने के लिए सीमा ही नहीं बल्कि उसके बच्चों से भी पूछताछ कर रही है। हर बच्चे के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को मिलाया जा रहा है ताकि सच का खुलासा किया जा सके, और अगर कोई बात छिपाई जा रही है तो वो बात भी साफ हो जाए। ये मामला एटीएस के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एसएसपी अभिषेक ने नोएडा में ही डेरा डाल रखा है। मामले की जांच आईबी, गौतम बुद्ध नगर स्थित कमिश्नरी पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी कर रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एटीएस ने सीमा के आगे कौन कौन से सवाल रखे। सवाल किया गया कि क्या है सीमा का पाकिस्तान से जुड़ा इतिहास, क्या वो वहाँ किराए पर रहती थी, अगर हाँ तो घर कैसे बेच दिया, क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी या सेना के संपर्क में थी, उसके परिवार के कौन कौन से सदस्य किस किस पद पर पाकिस्तान की सेना में है, सीमा की वास्तविक उम्र क्या है, उसकी 21, 27 और 30 वर्ष की अलग अलग उम्र सामने आ रही है, उसने अलग अलग उम्र के साथ दस्तावेज क्यों बनवाए, उसने 4 मोबाइल और पाकिस्तान का सिम क्यों तोड़ दिया, क्या सीमा पहले भी भारत आ चुकी है, सचिन से पहले वो भारत के कितने युवकों के संपर्क में आई है, सचिन के साथ सीमा की पहली मुलाकात कैसे और कब हुई, क्या वाकई पबजी दोनों की मुलाकात का माध्यम था या फिर कुछ और, सोशल मीडिया पर सीमा के किस किस नाम से अकाउंट है, 3 सालों में कौन कौन से मोबाइल नंबर सीमा के पास थे, कराची के शारजा, वहां से काठमांडू और उसके बाद भारत में दाखिल होने में उसकी मदद किस किस ने की, भारतीय संस्कृति और हिंदी के बारे में सीमा इतना सब कुछ कैसे जानती है, क्या उसने इसकी ट्रेनिंग ली है। इस मामले में बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि हम यूपी में किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जाँच कर रही है, और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे।